गोरखपुर पुलिस ने मंगलवार को 15,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसका पुलिस लाइन सभागार में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुनील सिंह नाम का एक बहुत ही चर्चित अपराधी है, जिसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती आदि कई अन्य मामलों में मुकदमा पंजीकृत है और ये पिछले कई सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। सुनील सिंह काफी शातिर वांछित अपराधी था, जिसकी तलाश गोरखपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर की पुलिस को कर रही थी। इसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और गांजा बरामद किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, सुनील सिंह नाम का एक बहुत चर्चित अपराधी है, इसके ऊपर जो है 302 के दो केसेज हैं सर, आपको गोली मार के लूट लेने के, और इसके अलावा जो है इसके ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री दी गई है, कुल 22 मुकदमे हैं, महाराजगंज, सनौली, गोरखपुर से संबंधित। ये आज जो है एक तमंचे और जो है एनडीपीएस एक्ट के जो है गांजे के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल है, बहुत दिनों ये भी जो है हमारे पहुंच से जो है 7-8 महीने से एक्सपांड कर रहा है, इसे भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। इस पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था, जिसे गिरफ्तार किया गया। कई कई लूट के प्रकरण है, हत्या के भी प्रकरण है। एक प्रकरण बड़ा चर्चित हुआ था, 16 लाख की नेपाली करेंसी एक शमीम करके एक व्यक्ति है वो लेके जा रहा था मनी एक्सचेंज कराने के लिए, तो उसको भी इन्होंने लूट के गोली मार दी थी। तो ऐसे कई मुकदमे हैं, काफी खतरनाक टाइप का अपराधी है।